प्रिय छात्रों, अभी तक आप लोग संस्कृत खंड पढ़े, इसके बाद पद्य की ओर चलते हैं हम। तो पद्य का आज जो पाठ है वह है महादेवी वर्मा, कवित्री महादेवी वर्मा जी का है, हिमालय से। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी की संक्षिप्त जीवनी में बात करते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होलिका दहन के पावन पर्व पर हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म 23 मार्च 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद जिले के एक नामक स्थान पर होलिका दहन के पावन पर्व पर हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी था, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था जो कि एक प्रधानाध्यापक थे, और इनकी मां का नाम हेमरानी था जो कि एक सामान्य कवित्री थी महादेवी वर्मा बचपन में ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी और एक मेधावी छात्र थी। महादेवी वर्मा मैट्रिक से लेकर एमए तक प्रथम श्रेणी में स्थान उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी। अनेक इस आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के निर्माताओं में से एक महान कवित्री महादेवी वर्मा थी। ये अपने मधुर गीतों से जन जन का प्यास बुझाने वाली थी। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। इनका प्रमुख सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, जिनको छायावाद के चतुष्टय नामक से जाना जाता है, बृहत्तई चतुष्टय से जाना जाता है। वो महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गद्य और पद दोनों पर समान अधिकार था, इसलिए इनकी ख्यात लब्ध, इनकी रचनाएं ओजपूर्ण थी। ऐसे साहित्यिक विदुषी होने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद शेख सरिया पद्म विभूषण, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जब 9 वर्ष की उम्र थी तभी इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुई थी जो आगे चलकर डॉक्टर हुए थे। तमाम अनेक मुसीबतों को भी महादेवी वर्मा को झेलना पड़ा। अपनी स्वयं की पढ़ाई के लिए ससुराल से भी अपेक्षा नहीं था, उपेक्षित ही हुई, इसलिए तमाम अनेक कठिनाइयां इनके जीवन में रही और बाद में परित्यक्ता भी हुई है। महादेवी वर्मा ने अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक अपना अलग श्रेष्ठ स्थान रखा। इनकी रचनाएं यामा, निर्जा, निहार, सांदगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं, आधुनिक युग, आधुनिक कवि, यामा और चांद पत्रिका भी संपादक थी। तमाम रचनाएं की साहित्यिक खड़ी बोली से और सुंदर मधुर रस से भरी हुई इनकी भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, इस प्रकार की इनकी शैली थी। और ये महादेवी वर्मा अपने ओजपूर्ण रचनाओं से जन जन का प्यास बुझाने वाले मां सरस्वती की वरद पुत्रिका 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस संसार से हमेशा के लिए विदा ले ली। इस तरह ये महादेवी वर्मा जी का सूक्ष्म जीवन परिचय हुआ। अब हम आगे चलते हैं इनके पाठ की ओर हिमालय से। इनका पाठ है हिमालय से। हिमालय से इन्होंने प्रेरणा दिया है। तो चलते हैं पाठ की ओर।
एक कविता है हिमालय से, हे चिर महान हे चिर महान ए स्वर्ण रश्म छू से ते भान, बरसा जाती रंगीन हास, हे चिर महान हे चिर महान, सेली बनता है इंद्र धनुष पर मल 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 जाता बतास पर रागहीन तू ही मन निधान, हे चिर महान हे चिर महान। चिर चिर माने अविनाशी शाश्वत अच्छे हिमालय के लिए, हे हिमालय तुम सदियों महान हो। हे चिर महान या स्वर्ण रश्म, स्वर्ण रश्म माने सूर्य की सुनहरी किरणें, छू छू माने स्पर्श करना, श्वेत श्वेत माने सफेद, भाल भाल माने मस्तक, रंगीन हास हास माने हंसी। हे हिमालय तुम सदियों महान हो, बर्फ से श्वेत बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं और उसकी ये रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है, सूर्य की आभा विकीर्ण हो जाती है। उस समय ऐसे प्रतीत होता है कि मानो यह पूरी प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो, प्रसन्नता से उल्लास का अनुभव प्राप्त कर रही हो, ऐसे लगता है। तो सेली बनता है इंद्र धनुष पर मल 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 जाता बतास पर रागहीन तू ही निधान, हे चिर महान हे चिर महान। श्री श्री मन का पगड़ी शेहरा जिसे कहा जाता है, परिमल परिमल माने सुगंध, बतास बतास माने होता है हवा, राग हेतु तो हिम निधान, राग हेतु तो हिम निधान, हिम माने उस हिमालय के लिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में शैली बनता है इन धनुष, कवित्री कहती है कि रंग बिरंगा इंद्र धनुष देखकर ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर सुंदर पगड़ी बांधी गई हो और ये शीतल सुगंधित वायु ये तुम्हारे शरीर के अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर रहा हो। हे हिमालय ऐसे रंग बिरंगे सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है तुम्हारे ऊपर, ऐसे लगता है रंग बिरंगा देखकर ऐसे लगता है कि इंद्रधनुष के आकार की सुंदर सेना अर्थात पगड़ी बांधी हो, और उस समय ऐसे लगता है कि जो वायु चल रहा है प्रकृति का हवा, जो वायु चल रहा है हवा का झोंका, ऐसे लगता है कि वह तुम्हारे शरीर के अंग अंग में पदार्थ सुगंधित पदार्थों का लेपन कर रहा हो। पर रागहीन तू ही निधान, हे हिमालय इतने सम्मान के बावजूद भी ऐसे लगता है, हे हिमालय इतने सम्मान के बावजूद भी ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं है, तुम उदासीन लगते हो, ऐसे लगता है कि जैसे तुम उदासीन लगते हो। नब बेव घर वित झुकता निशीस पर अंग लिए है दीन छा, मन गल जाता नत विश्व देख तन सा लेता है कुल सभा, कितने में दुख कितने कठिन प्राण, हे चिर महान हे चिर महान। नब माने आकाश, गर्भित माने गर्भ से, शीश माने सिर, अंक माने गोद लेना, छार माने मिट्टी, दीप छार माने दीप दुखी मिट्टी। हे हिमालय तुम आकाश में अपना सिर ऊंचा किए हो खड़े हो, अपने आन बान शान के साथ बिल्कुल तटस्थ खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के भी सामने कभी नहीं झुकता, और इतने महान हो हिमालय कि दीनहीन मिट्टियों को भी अपने गोद में अंक में समाहित किए हो। मन गल जाता नत विश्व देख तन सा लेता है कुल भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान हे चिर महान। मन गल जाता, हे हिमालय एक तरफ इतने महान हो, दूसरी तरफ इतने महान हो कि जब संसार के व्यक्तियों को अपने सामने झुका देखते हो तो तुम्हारा मन दया से करुणा से पिघलने लगता है, और एक तरफ तो इतने दया भाव है तुम्हारे अंदर, दूसरी तरफ तरसा लेता है
तर माने शरीर, तुम्हारा शरीर कठोर से कठोर भार को भी सहन करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय तुम अंदर से कितने मृदु अर्थात कितने कोमल हो और बाहर से कितने कठोर हो, एक नारियल की भांत, हे हिमालय एक नारियल की भांत बिल्कुल कठोर बने हो, नारियल की भांत बने हुए हो। कठोरता और मधुरता का तुम्हारे अंदर एक अद्भुत मिश्रण गुण है। टूटी है तेरी कब समा, झंझा लौटे सत्यार बचला त्रिगुसे किंतु नींद, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्ति दुख में समान, हे चिर महान हे चिर महान। टूटी है तेरी कब समान, हे हिमालय कठोर तपस्वियों की भात, कठोर तपस्वी की भात अपनी समान को धार किए हो, और हे हिमालय तुम्हारी इस समाज को आंधी के झंझा लौटे सतहार हार, आंधी के सैकड़ों झटके आए, तूफान आंधी अर्थात तूफानों के सैकड़ों झटके आए, लेकिन आज तक तुम्हारे इस समाज को कोई भंग नहीं कर सका। वो हवाएं वो तूफाने और हवाएं वे झोंके आए, तुम्हारे शरीर से टकराए और हार मान के सतहार हार वह बार बार वापस चले गए। किंतु हे हिमालय जब तीव्र धूप से जलते तपते कण की पुकार को सुनते हो, उसकी चित्कार को सुनते हो, तो तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ती है। जब अधिक गर्मी होती है तो और पिघलने लगता है, चित्कार जो होते हैं मिट्टी वगैरह के लिए सुनते कण की पुकार, जब कण की पुकार सुनते हो तो दया से तुम्हारा मन पिघलने के कारण तुम्हारे आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुख से विरक्त दुख में समान, सुख की कामना नहीं करते, हे हिमालय तुम सुख की कामना नहीं करते, किंतु सुख और दुख का एक समान बने रहने वाले योगी के समान हो। प्रस्तुत पद्यांश में आगे चलते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाहना, उर्मे पावस दृग बे बिहान। हे हिमालय आज मेरे जीवन की मौन भावना तेरे विस्तृत छाया से मिल जाए अर्थात एकाकार हो जाए। वो आज मेरे जीवन की मौन भावना तेरी विस्तृत छाया से मिलते हुए एकाकार हो जाए। हे हिमालय जितने तन तेरी साधकता छूले, तन माने शरीर, हे हिमालय जितनी तेरी शरीर में साधना भरी हुई है, काश मेरे भी अंदर उतनी साधना भर जाए और मेरी साधना तुम्हारी शरीर की साधना को छू ले, उसे स्पर्श कर ले। हे हिमालय तुम करुणावान हो, जितना करुणापूर्ण हो उतना ही मेरा हृदय मेरा मन भी उस करुणा को नाप ले। जितनी आपके अंदर करुणा भरी हुई है, करुणापूर्ण हो, मेरे मन की थाह ना थाह माने गहराई, मेरा मन भी उतना करुणापूर्ण होते हुए तुम्हारी करुणापूर्ण की गहराई को नाप ले उसे। उर्मे पावस, उर माने हृदय, पावस माने वर्षा, दृग माने नेत्र, बिहान माने शबीरा। हे हिमालय मेरे अंदर भी एक प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कहने का मतलब प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री का कहने का भाव है कि हे हिमालय जिस तरह आंधी तूफान में सैकड़ों तमाम कठिनाइयों में भी सब कुछ वर्षा धूप बरसात सारे कष्टों को तुम झेल लेते हो, हे हिमालय हे गिरिराज मेरी भी कामना है कि काश मेरे जीवन में ऐसा आ जाए कि चाहे जीवन में मेरे कितने भी कठिनाइयां ना आए, उसी प्रकार मैं अपने जीवन के आदर्श से कभी विचलित न हो सकूं। काश ऐसी प्रेरणा हिमालय मुझे भी दे दो। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने हिमालय की सुषमा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की सुंदरता को, उनकी कठोरता कोमलता को बड़े ही सुंदर शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति दी है, और भाषा खड़ी बोली शैली भावात्मक वर्णात्मक
रस जो है श्रृंगार रस है, करुण रस है। अलंकार जो है गुण माधुर है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। प्रस्तुत पद्यांश में इस प्रकार ये अलंकार है। हिमालय का पाठ ही समाप्त होता है, आगे की ओर हम चलेंगे अब, ठीक।